और इस वक्त इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे कमलेश कठेरिया और उनके पिता पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसके संकेत इटावा से सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने रफ्तार मीडिया को दिए खास इंटरव्यू में बताया। सपा से टिकट कटने से नाराज चल रहे कमलेश कठेरिया और पिता पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया ने अब भाजपा में जाने का मन बना लिया है। संभवतः 3 अप्रैल को कमलेश कठेरिया और उनके पिता औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खास बातचीत करने के लिए 3 बार के सांसद एससी कमीशन के अध्यक्ष रहे और इस बार इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जुड़े हैं। सर, इस बार का चुनाव है और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि एकजुटता है, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने अपने बलबूते पर समाजवादी पार्टी कितने लोगों को बीजेपी में सदस्यता दिलाई है? पूरे हिंदुस्तान की जनता मैं समझता हूँ कि अब जागरूक हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दलों का जाति आधार पर जो वर्चस्व था वो अब समाप्त हो रहा है। सपा के लगातार लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सपा बसपा के लोग, और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है जातिवाद से ऊपर उठकर और ये क्षेत्रीय दल हैं जिनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ये चुनाव विकासवाद और राष्ट्रवाद पर हुआ। ऐसे कितने लोगों ने सपा से नाराज होकर बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर अब तक सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग अब पहुंच रहे हैं, डेली ज्वाइनिंग हो रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे कमलेश कठेरिया, अब उनके पिता पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया वो भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 40 दिन में कोई वहाँ रुकेगा, क्योंकि सबको अपना अपना भविष्य पता है। प्रधानों को पता है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे यदि प्रधानी में खड़े हो गए, क्योंकि लोगों का सोच धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बदल रहा है, वो राष्ट्र के साथ जुड़ रहे हैं, विकास के साथ जुड़ रहे हैं, वो कानून व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है। जो मुस्लिम समाज है अब की बार मुझे लगता है कम से कम 20% मुस्लिम समाज 25% वोट दे रहा बीजेपी, यादव समाज तो और ज़्यादा बढ़ के दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि चुनाव कोई जातिवाद पे चुनाव नहीं रहा, कोई क्षेत्रवाद पे चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव डेवलपमेंट पे चुनाव रहा है, सुशासन पर चुनाव रहा है। या और उनके बेटा में कोई क्षमता नहीं है कि जो है किला के पास भी आ जाए, उनमें कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी लगातार बड़ी जीत की बात करी, कितनी सीटें इनकी आप मानते हो उत्तर प्रदेश में? सीटें निकाल ले लो नहीं निकाल वो एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सीट है? एक सीट के लिए वो ये सोच रहे हैं कि मैनपुरी किसी तरह बच जाए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मानते हो उठाओ, कितनी बड़ी जीत मानते अपने आप? नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी कमल खेलेगा और भारतीय जनता पार्टी इटावा में 3 लाख पार। एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था इटावा, और आज यहाँ पर जो 2019 में रामशंकर कठेरिया के सामने चुनाव लड़े थे प्रेमदास कठेरिया, उनके बेटे कमलेश कठेरिया, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन ज्वाइन करने वाले बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के लिए प्रचार करेंगे। इस वक्त के संकेत स्वयं इटावा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए इटावा से इंजीनियर।